إله إلا الله محمد رسول الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال تعالى: فلما تله للجبين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه من العشر من هذه الأيام. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, ज़िलहिज्जा का पहला अशरा, पहले 10 दिन चल रहे हैं और ये पहले 10 दिन बल्कि इसके दो तीन दिन और आप शामिल कर लें, 12 ज़िलहिज्जा तक के अय्याम को अगर आप शामिल कर लें तो ये 10-12 दिन ऐसे हैं कि जो बड़े ही मुबारक और अजीम अय्याम हैं। और रमज़ान शरीफ के बाद ये सबसे अजीम तरीन दिनों में माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा अजमत वाले, सबसे ज़्यादा फजीलत वाले ये दिन माने जाते हैं। रमज़ान तो आपने सुन ही लिया और रमज़ान के बारे में तो आपको रमज़ान शरीफ में बहुत कुछ बताया गया, लेकिन रमज़ान के बाद में शव्वाल का महीना आया और फिर दूसरा महीना ज़िलक़ादा का महीना आया और अब ये तीसरा महीना ज़ुल्हिज्जा का आया है। तो 2 महीने दरमियान में गुज़रे हैं, तो ये 2 महीने भी बहरहाल अजमत वाले अय्याम हैं, इसलिए कि शव्वाल की जो पहली तारीख होती है जिसको हम और आप ईद उल फितर का दिन कहते हैं, ये पहला दिन है
जब से अहराम का बांधना, हज के अहराम का बांधना जायज़ होता है, ईद उल फितर का जो दिन है, जो शव्वाल का पहला दिन कहलाता है, इस दिन से हज का अहराम बांधना दुरुस्त है और जायज़ है, बल्कि मुस्तहब भी कहा गया। अलबत्ता अगर कोई शख्स इस पहले शव्वाल, पहली शव्वाल से अगर पहले पहले अगर कोई हज का अहराम बांधता है तो वो सही नहीं है। तो इससे मालूम हुआ कि पहली शव्वाल ही से हज के महीने शुरू हो जाते हैं, तो गया शव्वाल का पूरा महीना और ज़िलक़ादा का पूरा महीना और ये ज़िलहिज्जा के 12-13 दिन, दो महीने 12-13 दिन, ये बड़ी ही अज़मत वाले और बड़ी फजीलत वाले अय्याम हैं और ये हज के अय्याम माने जाते हैं, हज के महीने। इसमें हज अदा होता है और हज के अरकान अदा किए जाते हैं और इनमें भी दो महीने 13 दिनों में से भी सिर्फ ये 5 दिन जो 8 ज़िलहिज्जा से 13 ज़िलहिज्जा तक, 8, 9, 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा के असर तक, ये 5 दिन बतौर ख़ास हज के अय्याम माने जाते हैं, हज के दिन कहे जाते हैं, तो इनको सबसे ज़्यादा फजीलत हासिल है। और बाकी महीने, महीने के दो महीने के जो बाकी अय्याम हैं, ये अय्याम भी अजमत वाले हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन सिर्फ उसमें हज का अहराम तो बांध सकते हैं लेकिन हज के कोई आमाल नहीं कर सकते। शव्वाल के महीने में, चूँकि पुराने ज़माने में बहुत लंबा लंबा सफ़र होता था और पानी की जहाज़ों से सफ़र होता था, बम्बई से अगर जहाज़ चले पानी की और उसमें हाजी सफ़र करके मक्के मुकर्रमा को पहुंचना चाहें तो बसा औक़ात दो दो महीने पूरे लग जाते थे, और बाज़ इससे भी लंबी मुद्दत के भी असफ़ार हुए हैं, तो समंदरी रास्ते से पहले सफ़र बड़े लंबी मुसाफत के होते थे, एक एक महीना सफ़र करके, डेढ़ डेढ़ महीना या दो महीना सफ़र करके कोई बैतुल्ला पहुंचता था, तो दरमियान में जब समंदरी रास्ते से जो गुज़रते हैं तो जेद्दा आने से पहले पहले यमन की तरफ को जो पहाड़ियां पड़ती हैं, वो पहाड़ियां जो है वो मीकात है, हिंदुस्तान से आने वालों के लिए एक मीकात है, एक पॉइंट है, एक जगह है जहाँ से अहराम बांधे बगैर गुजरना जायज़ नहीं। तो समंदरी जहाज़ों से भी पहुँचने वालों को अहराम बांध लेना पड़ता था पहले से। इसी तरह से जो आजकल हवाई जहाज़ से जाते हैं उनके लिए तो अगरचे के वो लंबा सफ़र नहीं रहा महीने दो महीने डेढ़ महीने का, और अब तो चंद घंटों का सफ़र हो गया, लेकिन जिद्दा से पहले पहले दरमियान में एक जगह पड़ती है यलमलम, यलमलम की पहाड़ियाँ आती हैं, वो मीकात है हिंदुस्तान की तरफ से जाने वालों के लिए, उस मीकात से बग़ैर अहराम के गुज़रना जायज़ नहीं। अगर कोई उस मीकात से गुज़र गए और अहराम नहीं बंधा हुआ है तो दम देना पड़ता है, तो ये जायज़ नहीं है। तो इसलिए अहराम पहले से बांधना पड़ता था, तो अब तो चूँकि मसाफत कम हो गई और वह सफ़र का वक्त कम हो गया, इसलिए हवाई जहाज़ में बैठने से पहले भी अहराम बांध लेते हैं और एयरपोर्ट पर भी नियत कर लेते हैं और चंद घंटों में मक्का मुकर्रमा पहुंच जाते हैं, ये एक आध दिन में मक्का मुकर्रमा पहुंच जाते हैं, लंबी बात नहीं है। लेकिन पुराने ज़माने में जहाँ लंबा सफ़र होता था तो अहराम पहले से बांधना पड़ता था, तो अब अहराम पहले से कितना पहले से बांध सकते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए उनको गुंजाइश दी कि दो महीना पहले यानी शव्वाल की पहली तारीख से अहराम बांधना उनके लिए जायज़ होता था। तो अब अहराम बांध करके चले, या रास्ते में अहराम बांध लिया
जो हज जहाज पानी की जहाज में चल रहे हैं तो वो मीकात आने से पहले पहले एहराम बांध लिया, तो उसके बाद भी उनको कई दिन के बाद जो है जिद्दा पहुंचना होता था, तो इसलिए एहराम पहले से बांध के चलते थे। बाद लोग अपने वतन से और घर से भी एहराम बांधते थे। तो गर्ज शव्वाल के पहली तारीख से लेके ये 8 ज़िलहिज्जा तक का मौका होता था एहराम बांधने का। लेकिन हज के अराकीन अरकान और हज के मनासिक अदा करने के लिए वही 5 दिन हैं जो हमने गुज़िश्ता जुम्मा में तफसील से आपके सामने बयान किए। तो मेरे दोस्तों, ये ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हुआ तो पहली ज़िलहिज्जा से लेके 13 ज़िलहिज्जा तक ये बड़े फजीलत वाले अय्याम हैं और इसमें बहुत सी इबादतें ऐसी जमा फरमा दी हैं अल्लाह ताला शानहू ने जो आपको पूरे साल भर में इतनी ज़्यादा इबादतें जमा शुदा आपको और किसी दिन में नहीं मिलेंगी। रमज़ान की फजीलतें अलग हैं, रमज़ान के अलावा रमज़ान के बाद पूरे साल भर में कोई दिन कोई अय्याम कोई महीने ऐसे नहीं मिलेंगे आपको जिसमें इतनी ज़्यादा फजीलतें एक वक्त में जमा हो गई जितनी के इन 10 दिनों 12 दिनों के अंदर जमा हो गई। बहुत सारी फजीलतें हैं इनकी और इनमें बहुत सारे आमाल ऐसे अंजाम दिए जाते हैं जो साल भर में नहीं हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहली ये फजील, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा मिन अय्यामिन अल-अमलु स्सालिहु अहब्बु इलल्लाह मिन हाज़िहिल अय्याम, कि कोई दिन अल्लाह के नज़दीक ऐसा नहीं है कि जिन दिनों के अंदर आमाल का करना अल्लाह को ज़्यादा पसंद हो बामुकाबला इन 10 दिनों के, यानी इन 10 दिनों में नेक अमल करना अल्लाह को जितना ज़्यादा पसंद है इतना ज़्यादा और किसी दिन में पसंद नहीं। यानी और दिनों के मुकाबले में आप और दिनों में भी नेक अमल करें ये मतलब नहीं कि और दिनों में नेक अमल करना अल्लाह को पसंद नहीं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये कि साल भर में 365 दिन आपके रमज़ान के छोड़ करके उन दिनों में भी नेक अमल आप करें वो तो करना ही है, लेकिन इन 10 दिनों में नेक अमल करना अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। ये 10 दिन पहली ज़िलहिज्जा का चांद देखने से लेकर 10 ज़िलहिज्जा तक के 10 दिन जो है ये 10 दिन बड़ी फजीलत वाले हैं और इन दिनों में नेक आमाल इबादतें जिक्र है और तिलावत है सदका खैरात है और कुर्बानी है बगैर सारी इबादतें इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी जमा फरमा दी कि इनमें ये इबादतें करना अल्लाह को बहुत पसंद है। तो ये बड़े फजीलत वाले अय्याम, इसीलिए कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई है इन 10 दिनों की 10 रातों की। वल फज्र पारे अम 30वां पारा जो है 30वें पारे में सूरह फज्र आप पढ़ेंगे, सूरह फज्र की आयतें अगर आप तिलावत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें फरमाते हैं वल फज्री वलयालिन अश्रिन वल्लैली इज़ा यसर वल फज्र वलयालिन अश्रिन वश्शफ़ई वल वत्री वल्लैली इज़ा यसर। अल्लाह ने फरमाया वल फज्र फजर की कसम, फजर के वक्त की कसम, वलयालिन अश्रिन और 10 रातों की कसम, वश्शफ़ई और जुफ्त की कसम, वल वत्री और ताक की कसम। जुफ्त और ताक का माना, जुफ्त का माना जुड़वा को कहते हैं, ताक का माना ताकदद, ताकदद जैसे 1 है 3 है 5 है और जुफ्त जो होता है वह जुड़वा अदद 2 है 4 है 6 है इसको जुफ्त कहते हैं और अरबी में उसको शफ़ुन कहते हैं और इसको वत्रुन कहते हैं, वित्र कहते हैं, वित्र जैसे 3 रकात वित्र होती है, तो वित्र जो है वो ताक अदद को कहते हैं 1 है 3 है 5 है और शफ़ुन और जुफ्त 2 2 4 4 6 को कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई जुफ्त की भी ताक की भी, इससे मुराद वो अय्याम हैं, इससे मुराद 9 ज़िलहिज्जा और 10 ज़िलहिज्जा मुराद है इससे कि 9 ज़िलहिज्जा बड़ी फजीलत वाला दिन है तो वो जुफ्त वो ताक है और 10वीं ज़िलहिज्जा ये जुफ्त है, इसलिए कि 2 4 6 8 और 10 जुफ्त अदद होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो 10 रातों की कसम खाई
और दूसरे जुफ्त की जुड़वा आदत की और एक ताक आदत की, यानी 9 ज़िलहिज्जा और 10 ज़िलहिज्जा की अल्लाह ने कसम खाई। अब ये 10 रातों से मुराद क्या है जिन 10 रातों की अल्लाह ने कसम खाई? ये 10 रातों से मुराद पहली ज़िलहिज्जा का चांद देखने के बाद से लेकर 10 ज़िलहिज्जा का जो रात आती है वो रात तक, ये पूरी की पूरी 10 रातें हैं। पहली ज़िलहिज्जा की रात, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और 10वीं रात तक की जो 10 रातें आ रही हैं, ये 10 रातें मुराद हैं। तो अल्लाह ने इन रातों की कसम खाई। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला शानू को किसी बात की कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे और आपके लिए मसला अलग है कसम खाने का, और अल्लाह का मसला, अल्लाह के कसम खाने का माना और मतलब अलग होता है। हमारे और आपके कसम खाने का मतलब होता है कि अल्लाह की कसम हम खाते हैं तो इसका मतलब अल्लाह को हम अपने काम पर गवाह बना रहे हैं। तो इसीलिए अल्लाह को, अल्लाह ही की कसम खाना जायज़ है, अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना जायज़ नहीं। जैसे बाज़ लोग हैं माँ की कसम खाते हैं, बाप की कसम खाते हैं, पता नहीं किस 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 ज़माने की कसम खाते हैं, तो ये लोगों के लिए जायज़ नहीं है। सिवाय अल्लाह के किसी की कसम खाना लोगों के लिए जायज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला शानू अपने किसी काम पर किसको गवाह बनाएंगे? अल्लाह खुद गवाह है। तो अल्लाह के कसम खाने का ये माना नहीं है कि अल्लाह किसी को गवाह बना रहे हैं कि नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कसम खाने का जो माना और मतलब ये है, जिस चीज़ की अल्लाह कसम खा रहे हैं उस चीज़ की अजमत को, बड़ाई को, अहमियत को बताना मकसूद होता है। तो फिर जिस चीज़ की भी अहमियत अल्लाह बताना चाहते हैं उसकी कसम खाते हैं। तो अल्लाह ने 10 रातों की कसम खाई इसलिए खाई कि ये 10 रातें अहम है ये बताना है। तो अल्लाह के कसम खाने के माना अलग हैं। तो अल्लाह ने 10 रातों की कसम खाई, और क्यों खाई? कि ये 10 रातें बड़ी फजीलत वाले। क्या फजीलत है इन 10 रातों की? मैंने गुज़िश्ते जुमे में सिर्फ इशारतन आखिरी में ऐलान के तौर पर अर्ज कर दिया था, तफसील का मौका नहीं मिला था। तो 10 रातों की जो फजीलत है वो ये है कि हदीस के अंदर मौजूद है, तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है कि ये 10 रातें ऐसी फजीलत वाली रातें हैं कि इन रातों में इबादत करने से शबे कदर में इबादत के बराबर सवाब मिलेगा। शबे कदर में इबादत के बराबर है इन रातों में इबादत करना अल्लाह के नज़दीक। आप ये 10 रातें तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, रात जाग करके किसी भी वक्त पे उठ करके 2-4 रकात भी पढ़ रहे हैं इन 10 रातों के अंदर में, तो ये ऐसा है जैसे शबे कदर में इबादत कर ली। तो शबे कदर में इबादत के बराबर सवाब इन 10 रातों में, हर रात का, पूरी 10 रातों का नहीं, एक एक रात का सवाब, एक एक रात का सवाब शबे कदर की इबादत के बराबर। शबे कदर तो नहीं है ये, शबे कदर की तो फजीलत है अपनी जगह, लेकिन अगर कोई शबे कदर भी इबादत करे तो क्या सवाब मिलता है? वैसा सवाब इसको मिलेगा, अजर ऐसे मिलेगा। और दिन जो इन रातों के बाद जो दिन आता है, जैसे आज का दिन है, तो ये 10 रातों के दिन भी हैं। ये नहीं कि सिर्फ फजीलत 10 रातों की है दिन की नहीं, ऐसी बात नहीं, 10 रातों की फजीलत ज़्यादा अहम है और उसके ताबे है दिन, तो लिहाजा दिन की भी फजीलत आई। दिन की क्या फजीलत? फरमाया कि इसमें रोज़ा रखना चाहिए और रोज़ा रखना मुस्तहब है। एक रोज़ा इन 10वें दिन तो ईद का दिन होता है, उसमें तो रोज़ा रखना जायज़ नहीं, उसको छोड़ कर के 9 दिन ये जो रोज़े हैं, इन 9 दिनों के रोज़े, फरमा एक एक रोज़ा एक साल के रोज़ों के बराबर सवाब रखता है। जिसको कोई तकलीफ़ ना हो और जिसको कोई उज़्र ना हो वो रोज़ा रखे, क्योंकि मुस्तहब है। और पूरे 10 दिन ही रोज़ा रखना नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोशिश की, आपने एक रोज़ा रख लिया, दो रोज़ा रख लिया, चार रोज़े रख लिए, एक दो रोज़े छूट गए, जैसे आज जुमे के दिन का रोज़ा छूट गया, तो अब ये जितने भी रोज़े मिले, एक मिला हो, दो मिला हो, तीन मिले हो, चार मिले हो, एक एक रोज़ा एक साल के रोज़ों के बराबर का सवाब रखता है। अब आदमी ने 9 रोज़े गुजर, अब चूँकि 10वां रोज़ा माना है इसलिए 10वां रोज़ा तो नहीं रख सकते, लेकिन आदमी ने 9 रोज़े मुसलसल रखे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह 10वें रोज़े का भी अजर उसको दे दे, क्योंकि 10वां दिन तो जायज़ नहीं था, 9 तो इसने रख लिए जो जायज़ थे, 10वां जायज़ नहीं था। ईद के दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, उस दिन तो खाने का हुक्म है,
तो लिहाजा अब ये दसवां रोजा नहीं रख सका इस ममानअत की वजह से, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह उसको दस रोजों का पूरा सवाब दे दे। तो गोया आदमी ने दस रोजे, दस साल के रोजे रख लिए, नौ रोजे रख कर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये भी फरमाया कि नौवें दिन का जो रोजा है, अरफे के दिन का रोजा, नौ ज़िलहिज्जा का जो रोजा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह इसकी वजह से एक साल पिछले और एक साल आगे के गुना माफ फरमा देंगे। एक साल पीछे और एक साल, यानी एक साल पीछे का मतलब अब से पीछे एक साल तक जो गुजर गया साल, ये पूरे एक साल के गुना माफ कर देंगे, साथ साथ आइंदा एक साल तक के गुना भी अल्लाह माफ कर देंगे। अभी से एडवांस में पेशगी गुना माफ हो गए। ये गुना कौन से माफ होते हैं? सगीरा गुना माफ होते हैं, छोटे गुना माफ होते हैं, जो कबीरा गुना है, बड़े बड़े गुना है, उसके लिए तौबा जरूरी है, साथ में तौबा को शामिल कर लिया जाए। अगर किसी ने तौबा भी शामिल कर ली कि मैं पिछले साल भर के जितने गुनाह हुए मैं उन सब को छोड़ देता हूँ, उन सब से मैं तौबा करता हूँ और आइंदा बिल्कुल इसको नहीं करूँगा, आदमी ने सच्चे दिल से तौबा कर ली, तो बड़े गुनाह भी माफ़ हो गए, छोटे भी माफ़ हो गए, बड़े भी माफ़ हो गए। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान फरमाई। अब आप सोचिए दस रातों की फजीलत इतनी ज़्यादा कि एक एक रात शब कदर के बराबर, और दस दिनों की फजीलत इतनी ज़्यादा कि एक एक रोज़ा साल भर के रोज़ों के बराबर, और नौ ज़िलहिज्जा का रोज़ा दो साल के बराबर का शुमार होता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रोज़े के बदले पिछले एक साल के गुनाह माफ़ फरमा रहे हैं, और नौ ज़िलहिज्जा को दो साल के गुनाह माफ़ फरमा रहे हैं, और फिर इतनी ही फजीलत नहीं है। और एक रिवायत के अंदर में मौजूद है, बैहक़ी ने, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस हदीस पाक को नकल किया है, फरमाया कि ये जो दस दिन हैं, इन दिनों के अंदर कोई भी नेकी आप करोगे, सुभान अल्लाह पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, अल्लाहु अकबर पढ़ा, कुरान पढ़ा, एक सूरत तिलावत किया, एक पारा तिलावत किया, ये कुरान तिलावत किया, या सदका खैरात किया, गोश्त तकसीम किया, गोश्त बांटा, या आपने लोगों में जो है दाद दहिश की, अतिया दिया, हदिया दिया, सदका दिया, कोई भी नेक काम किया, फरमाते हर नेकी का बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत 700 के बराबर देंगे। 700 बिसबई मियती ज़िफ़न, हदीस में है बिसबई मियती ज़िफ़न, कि अल्लाह हर नेकी को 700 दर्जा बढ़ा करके उसका बदला तुम्हें वापस करते हैं। यानी एक नेकी करके 700 नेकी को सवाब ले लिया, एक सदका, एक रुपया सदका करके 700 रुपये सदका का सवाब ले लिया, एक सुभान अल्लाह पढ़ करके 700 मरतबा सुभान अल्लाह का सवाब ले लिया। अरे कौन देगा इतना ज्यादा? अल्लाह की करीम ज़ात है जो दे रही है। तो ये हदीसों की बात मैं अर्ज कर रहा, अपनी तरफ से नहीं सुना रहा। 700 के बराबर नेकियां मिल रही हैं, तो इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन दिनों के अंदर नेकियां खूब करो, ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है कि इन दिनों में नेकियां करना बंदे का, ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। बुखारी शरीफ की हदीस कि इन दिनों के अंदर नेकियां करना बंदे का अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो लिहाजा इसमें खूब नेकियाँ समेटी जाएँ। इसलिए हदीस में आता है कि जब ये सवाब मिल रहा है तो हुज़ूर ने फरमाया कि इसमें तहलील को, तस्बीह को, तकबीर को खूब करो, यानी तकबीर खूब पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह तहलील खूब पढ़ा करो, और सुभान अल्लाह तस्बीह खूब पढ़ा करो। ये हदीस में हुक्म आया, खूब सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, खूब कसरत से पढ़ना चाहिए। और जब नौ ज़िलहिज्जा होती है, नौ ज़िलहिज्जे की फजर, नौ तारीख की जो फजर आती है ईद के दिन से एक दिन पहले, उस दिन की जो फजर है, फजर की नमाज से लेकर 9, 10, 11, 12 और 13 तारीख की असर तक तकबीर तशरीक पढ़ना सुन्नत है, तकबीर तशरीक, और एक मरतबा पढ़ना वाजिब, एक से ज़ायद मरतबा पढ़ने की बाज़ उलमा ने इजाज़त दी है, लेकिन एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। तकबीर तशरीक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, एक मरतबा तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब करार दिया। और इन दिनों के अंदर में ये तकबीर पढ़ने का सवाब भी बहुत ज़्यादा है। अब ये तो हो गई ये चंद इबादतें,
इसके अलावा दो अजीम तरीन और इबादतें अंजाम दी जाती हैं। एक इबादत है हज बैतुल्ला की, हाजी जो हज को गए हुए हैं वो तो वहाँ पर बहुत सारी इबादतें और मनासिक और आमाल अंजाम दे रहे हैं, हज जैसी अजीम इबादत भी इन्हीं दिनों में हो रही है। और एक दूसरी अजीम तरीन इबादत हम सब लोगों को जो हज को नहीं जा सके, अपने अपने मकामात पर हैं, हमें भी एक अजीम इबादत का अल्लाह पाक मौका दे रहे हैं, वो इबादत है कुर्बानी, जानवर की कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी का अल्लाह रब्बुल इज्जत मौका दे रहे हैं और उसकी शहादत हमें अता फरमा रहे हैं। इसके पीछे एक तारीख है, इसीलिए फरमाया कि जो आदमी कुर्बानी दे रहा हो, जिस आदमी को अपनी तरफ से कुर्बानी देने का इरादा हो, उस आदमी के लिए ये बात भी मुस्तहब करार दी गई है कि चांद देखने के बाद, ईद जुलहिज्जा का चांद देखने के बाद से कुर्बानी अपनी जबा करने तक अपने बाल न काटे, चाहे मूंछों के बाल हों या दाढ़ी के बाल हों, सर के बाल हों या चेहरे के ऊपर के जो बाल हैं खत बनाते हैं आदमी, या बगल के बाल हों, जेर नाप के बाल हों या नाखून हों, नाखून और बाल नहीं निकालना चाहिए, मुस्तहब हदीस पाक में आया। हाँ, फलायु या खुदन मिन अस्फारी व शारही शया, कि अगर जिस आदमी को, किसी आदमी को कुर्बानी अपनी तरफ से अदा करने का इरादा है, साहिब इस्तेआत आदमी है, तो अब उसको चाहिए कि अब कुर्बानी देने के बाद बाल निकाले, नाखून निकाले। इसमें क्या हिकमत है, क्या मसलियत है? उलमा ने इसकी मसलियत बयान फरमाई कि दरअसल ये हाज हुज्जाज इकराम के साथ मुशाबहत है, हाजी के साथ मुशाबहत। हाजी जब एहराम बांध लेता है, अब वो बाल नहीं निकालेगा, नाखून नहीं काटेगा जब तक के उसका एहराम न खुल जाए। वो पहले हज के सारे मनासिक अदा करेगा, अरफात जाएगा, मिना जाएगा, मुजदलफा जाएगा, सारे अरकान अदा करने के बाद हज के कुर्बानी देगा, और कुर्बानी देने के बाद वो हलक कराएगा, यानी बाल मुंडाएगा, सर के बाल वगैरह मुंडा के हलक कराए। तो हाजी जो वहां पर अमल कर रहे हैं, उन हाजियों के साथ मुशाबहत, मुमासलत और उनकी जैसी शबी बनाने के लिए जो लोग हज को नहीं जा सके, उनको यहां उसकी इजाजत दी कि तुम यहां जो कुर्बानी दे रहे हो, इस कुर्बानी के देने तक तुम्हारे लिए भी इसकी इजाजत है कि तुम हाजियों की मुशाबहत में बाल और नाखून न काट के इंतजार करो जब तक कुर्बानी ना हो जाए, और कुर्बानी देने के बाद में बाल नाखून निकालो। ये उस मुशाबहत के लिए वाजिब नहीं, फर्ज नहीं है, सिर्फ एक मौका है नेकियां कमाने के लिए, सआदत हासिल करने के लिए, हाजियों के साथ मुशाबहत पैदा करने के लिए। अल्लाह नवाजना चाहते हैं बंदों को, इसलिए ये मौके देते हैं। ये सारी इबादतें आप देख लो कितनी जमा हो गई इन 10-12 दिनों के अंदर, कितनी कितनी नेकियां और कितने जो है अजर सवाब और कितने आमाल अल्लाह ने जमा करके दे दिए। इतना आपको पूरे साल भर में ऐसे मौके नहीं मिलेंगे, इतनी सारी इबादतें एक वक्त में जमा पूरे साल भर में नहीं मिलेंगी आपको। फिर अब कुर्बानी जो देते हैं, अब कुर्बानी का भी एक पस मंजर आप लोग जानते हैं, माशाल्लाह वाकया सुने हुए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने एक मरतबा पूछा, मा हाज़ी ला वाही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये कुर्बानियाँ क्या चीज़ हैं, इन कुर्बानियों की क्या हकीकत है, क्यों हम ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तुम्हारे बाप का लफ्ज़ क्यों फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे वालिद का लफ्ज़ इसलिए फरमाया कि हजरात जो सहाबा हैं या अरब हैं, अरब हजरात जो हैं वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो आपको मैंने इससे पहले सुनाया है, उनके दो लड़के थे, एक हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। इन दो लड़कों में से हजरत इसहाक की औलाद बनी इसराइल बनी, हजरत इस्माईल के औलाद जो है वो अरब लोग बने, कुरैश अरब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं के औलाद में से। तो लिहाजा ये जो अरब हैं, कुरैशी हैं, ये सब के सब नस्ल हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। क्या सुन्नत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम जिनकी ये औलाद है, अरब लोग भी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिनकी औलाद है,
वो इस्माइल अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए, जब जवानी की उम्र में पहुंचे, यानी अपने बाप का साथ देने के काबिल हो गए, बाद उलमा ने उसकी उम्र लिखी है 13-14 साल की उम्र थी लगभग, इस उम्र में जब पहुंचे तो अल्लाह ने ख्वाब दिखलाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। ख्वाब क्या दिखलाया? ख्वाब ये देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। ख्वाब में एक दिन देखा तो उन्होंने ये समझा कि ये ऐसे ही जो है कुछ ख्यालात हैं। एक दिन देखा, फिर दो दिन देखा, फिर तीसरे दिन देखा तो समझ गए कि ये दरअसल इशारा है अल्लाह की तरफ से कि मैं अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह के नाम पर पेश करूँ। और वो नबी थे, और नबियों का जो ख्वाब होता है वो सच्चा होता है। और उलमा ने बात लिखी है कि नबी का जो ख्वाब होता है वो वही के दर्जे में होता है, यानी अल्लाह वही नाजिल करके कोई हुक्म दे तो वो भी एक ही दर्जे का होता है, और अगर ख्वाब में कोई चीज बतलावे तो वो भी उसी दर्जे का होता है। दोनों वही का हुक्म दर्जा रखते हैं। लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह का मुझको हुक्म हो रहा है। अब हम और आप सोचते होंगे कि अल्लाह का हुक्म बेटे को ज़बह करने का क्यों हो रहा है, तो ये तो इसकी हिकमत और मसले तो हम नहीं जानते, अल्लाह बेहतर जानते हैं। इम्तिहान लेना चाहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का और इताअत का, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत ज्यादा करेंगे या औलाद की मोहब्बत इनके अंदर ज्यादा होगी, ये देखना चाहते थे, इम्तिहान लेना था। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म समझ के बेटे को फौरन ले जाके चाहते तो ज़बह कर देते, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। बड़ी बड़ी हिकमत इख्तियार फरमाई, उन्होंने चाहा कि जो हुक्म अल्लाह ने मुझको दिया है उस हुक्म पर मैं तो राजी हो गया, लेकिन जिस बेटे को ज़बह करने का हुक्म हुआ है कहीं वो बेटा इनकार ना कर दे, वो बेटा भी राजी हो जाए, उसको भी कन्विंस कर लिया जाए, उसको भी राजी कर लिया जाए, उसकी क्या शक्ल इख्तियार करूँ। ये नहीं फरमाया कि अल्लाह का मुझको हुक्म हुआ है, बेटे से कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका, बेटे मैं ये ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुमको ख्वाब में ज़बह कर रहा हूँ। ख्वाब बयान किया, ख्वाब जिक्र किया। वो बेटा भी बेटा परवरदा नबी का था, नबी का पाला हुआ बेटा, वो नबी के ख्वाब को समझने वाला बेटा था। उस बेटे ने क्या जवाब दिया? अब्बा जान या आबती इफ़अल मा तुमर, अब्बा जान आपको जो हुक्म हुआ है वो हुक्म पूरा कीजिए। सुभान अल्लाह, बेटे को कैसे मालूम हो गया कि बाप ने जो ख्वाब देखा है वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है, यानी है कि हुक्म है अल्लाह का। बेटे को कैसे मालूम हुआ? वो खानदान नबूवत वाला खानदान था, जहां बच्चा बच्चा जानता था कि नबी को इस तरह के जो इशारे मिलते हैं उन इशारों का भी मतलब हुक्म होता है। बच्चा बच्चे इस बात को समझते थे, लिहाजा उस बच्चे ने बावजूद इस बात के कि कम उम्र में थे, इस बात को समझते हुए पूरे शऊर के साथ पूरी रजामंदी के साथ बेटे ने कहा कि आपको जो हुक्म हुआ आप उसे पूरा कीजिए, आप क्यों पीछे हटते। चुनांचे बेटे को तैयार करके ले गए ज़बह करने के लिए, और जब बेटे को ज़बह करने के लिए छुरी तेज कर ली और बेटे ने उसको देखा तो बेटे के दिल में ख्याल आया कि अगर बाप मुझे ज़बह होता हुआ देखेंगे कहीं बाप का दिल रहम न खा जाए मुझ पर ज़बह करने से, और उनके दिल में मेरे लिए रहम आ गया, उस रहम की वजह से उनका हाथ रुक गया तो अल्लाह का हुक्म पूरा करने में नाकिस हो जाएगा, और बाप से अल्लाह का हुक्म सही तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा, अल्लाह के हुक्म पूरा करने में कोताही हो जाएगी। इसलिए बेटे ने बाप को मशवरा दिया कि अब्बा जान आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए ताकि मुझे ज़बह होता हुआ देख करके आपको रहम ना आ जाए और आप अल्लाह के हुक्म में पीछे ना हट जाए। सुभान अल्लाह, क्या औलाद थी। फिर आगे कहने लगे कि अब्बा जान मेरा चेहरा आप अपनी तरफ मत कीजिए, मेरा चेहरा आपकी तरफ होगा तो आपको रहम आएगा, मुझे आप औंधा लिटा दीजिए, मुझे मुंह के बल लिटा दीजिए ताकि आपको मेरा चेहरा देख करके रहम ना आ जाए। ये सब कुछ हो गया, अब तेज करके छुरी आंखों पे पट्टी बांध के बेटे को नीचे औंधा लिटा करके छुरी चलाने लगे, छुरी चल नहीं रही है, गला कट नहीं रहा है, और अभी इधर से छुरी जोर लगा के चला रहे हैं, लेकिन अभी बेटे ने क्या कहा? जैसे ही बेटे को लिटाया उस बेटे ने कहा अब्बा जान मेरे कपड़े जरा समेट दीजिए, ऐसा ना हो जाए कि मैं तड़पने लगूं, तड़पने की वजह से खून जो है फैल जाए और फैल करके मेरे पूरे कपड़े गंदे ना हो जाए खून से, और ये खून आलूदा कपड़े
मेरी वालिदा के पास पहुंचेंगे तो वालिदा को यह देख करके दुख ना हो जाए, गम ना हो जाए, और अल्लाह का हुक्म पूरा करने में हम लोग जो है कोताही ना कर बैठे और माँ को इस हुक्म के पूरा करने में कहीं नाराजगी ना हो जाए, गम ना हो जाए, इसलिए आप मेरे कपड़े समेट दीजिए ताकि उसे खून ना लगे। हदीसों के अंदर, रिवायतों के अंदर ये तफसीलात मौजूद है। सुभान अल्लाह, क्या औलाद और क्या बाप। चुनांचे छुरी चलाने लगे, सब कुछ पूरा करके चुराने चलाने लगे तो छुरी चल नहीं रही है, इतने में जोरदार आवाज सुनाई दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसी तकबीर की आवाज सुनी तो आंखों से पट्टी हटाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हटाई तो देखा जिब्राइल खड़े हुए हैं, मेंढा ज़बह हुआ पड़ा है और इस्माइल बाजू जो है हंसते हुए बैठे हुए हैं। क्या मंजर था ये, क्या कोई ख्वाब देखा या हकीकत थी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा जन्नत से मेंढा देकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, जिब्राइल मेंढा लेकर के आए और ला करके जब देखा कि ये छुरी चलने लगी है, चलाने लग गए हैं, कहीं छुरी से काट ना दे, फौरन तकबीर पड़ी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और बहुत में इलाही वो मेंढा ज़बह हो गया। चलाई थी छुरी बेटे के गले पे और ज़बह हो गया मेंढा, ये कैसे हो गया? अल्लाह की कुदरत थी, अल्लाह ने अपनी कुदरत से ज़बह करा दिया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मंजर देखा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबान से निकला। अब बेटा उठ करके बैठा, दोनों को तकबीर पढ़ते हुए देखा, बेटे की जबान से निकला अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये तीन तकबीरें तीन की जबान से निकली हैं, एक हजरत जिब्राइल की, एक हजरत इब्राहिम की, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम की जबान से। इन तीनों की जबानों से निकले हुई तकबीरात को अल्लाह ने तकबीर तशरीक बना करके हम सब के लिए वाजिब करार दिया कि तुम भी पढ़ो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक इन तीनों बुजुर्गों की जबानों से निकली हुई कलिमात हैं। क्या कैसी जबानें थी, क्या कलिमात थे, आज वो कलिमात हमारी जबानों से निकलेंगे, कितनी बरकत उस तकबीर में होती है। बहरहाल ये मैंने आपको वो अमल सुनाया जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अंजाम दिया, अल्लाह ने इसको इतना कबूल फरमाया और कि इसको कबूल फरमाते हुए क़यामत तक आने वाली उम्मत मुस्लिमा के लिए ये कुर्बानी की इस मिसाल को जिंदा करने का हुक्म दे दिया। चुनांचे कुर्बानियाँ की जाती हैं, अब कुर्बानी जानवर की जाएगी। अब मैं मौका नहीं है तफसील से कुर्बानी के मसाइल को बयान करने का, दो चार अहम मसले तो ज़रूर बता दूँ ताकि हर आदमी इसका फिक्र कर सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सहाबा ने, या रसूल अल्लाह अगर हम ये जानवर ज़बह करेंगे हमको क्या मिलेगा? ठीक है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हम अदा कर रहे हैं लेकिन हमको क्या मिलेगा इस पर? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिकुल्ली शारतिन हसना, कि तुमको जानवर के बदन पर जितने बाल होंगे हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। अब जानवर के बदन पर बाल कितने होते हैं? हजारों नहीं, लाखों नहीं, क्यों कौन गिन सकता है? जानवर की पीठ पर, खाल पर जो बाल होता है, फिर सावन ने पूछा उस पर ऊन होती है, ऊन होती है, ऊन तो गिन नहीं सकते, वो तो बारीक बारीक होती है। उसका फरमाया कि ऊन के भी हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। और बाज एक ज़ईफ रिवायत, ज़ईफ तरीन रिवायत के अंदर मौजूद है समीनु आयाकुम वैना अलस्सुरात मतायाकुम, तुम अपने जानवरों को मोटा ताज़ा करके ज़बह किया करो इसलिए कि ये तुम्हारे लिए पुलसरात पर सवारी बनेगी। तो ये एक ज़ईफ तरीन रिवायत है, इस रिवायत पर कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसका अकीदा रखें, लेकिन बहरहाल एक फजीलत है, उस फजीलत को मान सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। बहरहाल जानवरों को ख़रीदना और सही जानवर ख़रीदा जाए बेऐब हो, उसके अंदर कोई ऐसा ऐब ना हो जिससे कुर्बानी सही ना होती हो, ऐसे जानवरों को ख़रीदना चाहिए और उसको ज़बह करना चाहिए। और वो जानवर आप बकरा ख़रीदें उसमें मुअन्नस मुज़क्कर बकरा बकरी दुम्बा दुम्बी छेला हो चेली सब की कुर्बानी दुरुस्त, और गाय बैल भैंस इन सब की कुर्बानी जायज़। लेकिन चूँकि यहाँ पर मुल्क में हालात ऐसे हैं कि गाय की ज़बह के सिलसिले में ममानअत इन्होंने कर रखी है, लिहाजा उसमें एहतियात बरतनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हम गाय ही के पीछे पड़ जाएँ, गाय के लिए अगर ममानअत है कानूनी तौर पर जुर्म करार दिया जा रहा है तो हम उससे एहतियात बरें, क्या हर्ज होता है? दूसरे जानवर हमारे पास बतेरे पड़े हुए हैं उसकी कुर्बानी दीजिए,
بکرے کی قربانی اس زمانے میں گائے کی قربانی سے افضل ہے, کیونکہ بکرا ایک تو آپ کو سب کو معلوم ہے کہ سب لوگ کھانے والے گائے کے مقابلے میں, بڑے کے مقابلے میں چھوٹے کا گوشت سبھی پسند کرتے ہیں. دوسرا ہے کہ قیمت حصے کی کم ہوتی ہے اور بکرے کی زیادہ ہوتی ہے, تو لہذا جو زیادہ قیمت والا ہو اس کا ذبح کرنا افضل ہوتا ہے. خصی کی قربانی افضل اسی لیے قرار دی گئی کہ اس کا گوشت جو ہے محفوظ رہتا ہے اور مضبوط رہتا ہے. لہذا بہرحال جانور عیبدار نہ ہو, صحیح جانور خریدیں, ذبح کریں. اور جو آدمی صاحب نصاب ہو, 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے, میں نے ابھی قریب میں اس کی قیمت کا پتہ لگایا, 75 روپے 70 پیسے شاید چاندی کی قیمت, 1 گرام کی قیمت بن رہی ہے, تو اس حساب سے 45,000 روپے جو ہے 52.5 تولہ کی قیمت بنے گی. جس آدمی کی ملکیت میں 45,000 روپے کی مالیت ہو, چاہے وہ سونا ہو, چاندی ہو, روپیے نقد ہوں, بینک میں رکھے ہوئے ہوں, اپنے پاس کیش باکس میں رکھے ہوئے ہوں, یا کسی کے پاس قرض دیے ہوئے ہیں وہ آنا باقی ہو, اور سامان تجارت اگر کسی کے پاس ہے وہ ہو, یا ضرورت سے زائد سواریاں, ضرورت سے زائد گھر میں فرنیچر رکھا ہوا ہو, ان سب کی قیمت ملا کر 45,000 روپے بنتی ہے تو قربانی واجب ہے. اور جو آدمی ان سب چیزوں کا مالک ہے اس کے اوپر واجب. لہذا آپ کو اپنی قربانی, جس کے اوپر واجب ہے وہ اپنی قربانی دے, اپنے ماں کی طرف سے, باپ کی طرف سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دے دے گا تو اپنی قربانی ادا نہیں ہوگی, اپنی قربانی باقی رہے گی. ٹھیک ہے, باپ کی ادا ہو گئی, ماں کی ادا ہو گئی, فلاں کی ادا ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ادا ہو گئی, لیکن آپ کی قربانی باقی رہ گئی. اپنی قربانی پوری کرتے ہوئے دوسروں کی قربانی دے سکتا ہے, لیکن اپنی قربانی چھوڑ کر دوسروں کی قربانی دینا درست نہیں ہے. اپنی قربانی جو واجب ہے وہ دینا ضروری ہے. لہذا جو جس شخص پر قربانی واجب ہو وہ اپنی قربانی دے. اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے دینا واجب نہیں, بالغ بچوں کی طرف سے دینا واجب نہیں, بیوی کے اوپر واجب ہے. اگر قربانی ان کے پاس زیورات اتنے ہیں سونا چاندی ملا کر 45,000 روپیوں کے, تو بیوی کو بھی قربانی دینا ضروری ہے. وہ بیوی اپنے پیسے سے دے, یا شوہر دے, یا کسی سے مانگ کر دے, یا زیور بیچ کے دے, کسی بھی دے, بہرحال دینا ہے. من وجد اسعتا فلم یضحی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو وسعت ہے قربانی دینے کی, واجب نہ بھی ہو لیکن وسعت آپ کے پاس سہولت موجود ہے کہ قربانی آپ دے سکتے ہیں, اس کے باوجود قربانی نہیں دیا, فلا یقربن مصلانا, حضور کو اتنی ناراضگی ہے, حضور فرماتے ہیں ہمارے عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے. کتنی سخت بعید ہے. لہذا جس پر بھی قربانی واجب ہے قربانی دے, اور قربانی دے کر کے پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن, 3 دن قربانی کا موقع ہے. نماز کے پڑھنے کے بعد قربانی دینا چاہیے, نماز سے پہلے اگر قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی. اور تیسرے دن مغرب سے پہلے پہلے تک کا وقت ہے, عصر آخری وقت ہے اس دن, یعنی 10, 11 اور 12, یہ تیسرا دن کا مطلب 12 تاریخ کی عصر کے بعد آخری وقت ہے, اس سے پہلے پہلے تک قربانی دے دے گا, قربانی ادا ہو جائے گی. اور اگر کسی پر واجب تھی, ان 3 دنوں میں قربانی نہیں دیا, اس کے بعد قربانی دینا چاہے گا, قربانی تو نہیں دے سکتا, جانور صدقہ کر دینا ضروری ہے کہ کسی غریب کو مدرسے میں یا کسی بھی غریب علاقے میں جانور صدقہ کر دیجئے, چاہے ذبح کر کے ہو یا سارا جانور ہو, صدقہ کر دے, صدقے کا ثواب ملے گا, قربانی کا نہیں ملے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ان دنوں میں یہ قربانی ایک عظیم ترین ایسی عبادت ہے جو اور دنوں میں نہیں انجام دی جا سکتی. پورے سال آپ جانور کو ذبح کرتے رہیں, قربانی کا ثواب نہیں ملے گا, قربانی کا ثواب تو انہی 3 دنوں میں ملے گا. اسی لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے اندر, ایام اضحیہ کے اندر قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے. آپ صدقہ خیرات کرنا چاہیے چاہتے ہیں, شوق سے کیجئے, سال بھر 363 دن 362 دن کیجئے صدقہ خیرات, مگر یہ 3 دن میں صدقہ خیرات نہیں بلکہ قربانی ہی دینا ہوگا. آپ سوچیں کہ اتنے جانور ذبح کرنے سے کیا فائدہ, قربانی کے پیسے میں غریبوں کو صدقہ کر دوں گا. آپ صدقہ سال بھر 362 دن کر سکتے ہیں, انہی دنوں میں 3 دنوں میں صرف قربانی کر سکتے ہیں. ان دنوں میں تو آپ کو صدقہ نہیں قربانی ہی کرنا ہے, قربانی کے بدل میں کوئی عبادت نہیں ہوگی. آپ اگر کہتے ہیں کہ بھائی, کوئی کہتا ہے کہ صاحب اتنی دور حج بیت اللہ کے جانے کی کیا ضرورت ہے, میں یہیں غریبوں کو پیسے بانٹ دوں گا, غریبوں کو بہت ضرورت ہے, تو آپ کو غریبوں کے صدقے کا ثواب ملے گا لیکن حج بیت اللہ فریضہ آپ کے اوپر باقی رہے گا, وہ ادا نہیں ہوگا. لہذا قربانی بھی اسی طرح سے ہے, ایک فریضہ ادا کرنے سے
दूसरा फरीजा अदा नहीं होता, वो अपनी जगह बाकी रहेगा। कोई कहे रोजे के बदले में सदका कर दूं, रमास के बदले में मैं सदका कर दूं, रमास के बदले में मैं बाहर लोगों को पानी पिला दूं, पानी पिलाने का सवाब अलग है लेकिन नमाज का बदल नहीं बन सकता। कुर्बानी का सवाब इन तीन दिनों में, कुर्बानी का हुक्म इन तीन दिनों में वाजिब है। कुर्बानी छोड़ करके आप चाहे गरीबों की शादियां करते रहें, सदका खैरात करते रहें, कोई सवाब नहीं मिलेगा, यानी मतलब सदके का सवाब मिलेगा, कुर्बानी का बदल नहीं बन सकता। लिहाजा कुर्बानी ही अल्लाह को पसंद है, यह हदीस पाक है कि मा अमल इब्नु आदम मिन अमल अहब्बु इलल्लाह मिन इहराक अद्दम, कि अल्लाह बनी आदम का कोई अमल खून बहाने से ज्यादा आज के दिन में अल्लाह को और कोई अमल पसंद नहीं है। लिहाजा इन दिनों में यही अमल करना है, अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। और याद रख लीजिए कि अल्लाह को खून पसंद नहीं है, कोई अल्लाह को ना गोश्त पहुँचता है, ना खून पहुँचता है, ना खाल ना बाल, अल्लाह को क्या चाहिए। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम, अल्लाह को ना तुम्हारा गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है, वो तो तुम्हारे दिल का तकवा पहुँचता है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह की कितनी अजमत है, अल्लाह के हुक्म का कितना एहतराम तुम करते हो और अल्लाह के हुक्म पर इताअत कितनी करते हो दिल से, ये अल्लाह को देखना मकसूद है। तो लिहाजा इताअत दिखाना है, फरमाबरदारी दिखाना है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं देखा, अकल से नहीं सोचा, अरे बेटे को कैसे ज़बह कर देंगे, बेटे के गले पे छुरी कैसे चला देंगे, उसे कैसे कुर्बान कर देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अकल से नहीं सोचा बल्कि ये सोचा कि हुक्म अल्लाह का है, हुक्म को देखा जाएगा, हुक्म जो सा भी अल्लाह का हो उसे पूरा करेंगे। इताअत और फरमाबरदारी की मिसाल कायम कर दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। हमसे भी आपसे भी कहा जा रहा है कि तुम भी इताअत गुजार बनो, जो कहा है वो पूरा करो, अपनी अकल के घोड़े दौड़ा के इसको भी उसको भी उसको भी इसको भी सोचा मत करो। ये अल्लाह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे और आपसे चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी बात आप हजरात वाज़े तौर पर समझ चुके हैं। जो कुछ मसाइल होंगे, बारीक बारीक से मसले होते हैं, हर एक के अपने अपने इनफरादी मसले होते हैं, उन मसलों के लिए आप हजरात राबता कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर भी लेकर के कोई पूछना चाहे पूछ सकते हैं, और भी उलमा हजरात हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वा आखिर दावा ला इलाहा इल्लल्लाह।